सॉरी गाइज, अगर मेरे को हिकअप्स आए तो बीच में प्लीज इग्नोर, कोई मेरे को बहुत जोर से याद कर रहा है। चलो एक्स माइनस 450, इतना नहीं याद करना होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड, ये क्या होगा, विच इज, अच्छा ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटीज नहीं दिया हुआ है, लेस देन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, वन माइनस करके करेंगे, सॉरी जेड लेस देन इक्वल टू 1.8, पेज 1.80 वाला देखो क्या है, 0. क्या आ रहा है आंसर, 0.06, सबका ही आ रहा है, ओके। ये वाला करो सेम, मैंने डायरेक्टली लिखा है, आप लोग एग्जाम में डायरेक्टली लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, लिखना पड़ेगा स्टैंडर्डाइजेशन, माइनस पॉइंट, अब माइनस का भी देखो नहीं दिया हुआ है, टेबल बुक में 0 ऑनवर्ड्स दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें हम लोगों ने पढ़ा है माइनस 0.3, इससे बड़ा या इससे छोटा है सेम सिमेट्रिकल, सो प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन इक्वल टू 0.3, यस और नो, 0.3 का देखो तो 0.30 बेसिकली, हाँ 11 है, ठीक है। अब टेबल यहां जैसे हम लोग क्या करते हैं, इंटरपोलेट करते हैं ना, आर प्रोग्रामिंग में डायरेक्टली वैल्यूज आ जाते हैं फंक्शन डालने से, तो वेरी सिंपल जब आर करेंगे तो उसमें देखेंगे। नेक्स्ट करते हैं, आ जाओ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इसके सम्स आप लोग बना लोगे, इजी है। अच्छा एक चीज खाली, अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस 25 लेस देन 4 निकालने, तो ये मॉड है, मॉड आप लोग को, आप लोगों ने किया ना, मॉड ऑफ एक्स अगर लेस देन 4 है तो एक्स इज बिटवीन माइनस 4 एंड 4, सिमिलरली अगर मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 4 क्यों होता है, हाँ ये लिख लो साइड में अगर किसी को याद नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी योर एक्स माइनस 25 इज बिटवीन माइनस 4 एंड 4, यस और नो, प्रोबेबिलिटी माइनस 25 उधर चला गया, क्या होगा 21, ये क्या होगा, सॉरी ये क्या होगा 29, फिर सॉल्व कर सकते हो, चलो नेक्स्ट, ठीक है ना। इसमें ये बहुत छोटा है, इस वैल्यूज के लिए ये परफेक्ट नहीं है, मैंने खाली एक एग्जांपल लिया, इसमें मत डालना, बहुत छोटे वैल्यूज आएंगे, ठीक है। अब आ जाओ एक बार खाली बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, पेज नंबर 162, पेज नंबर 162 पे आओ, उसमें ना परसेंटेज वैल्यूज गिवन है, ये गिवन है देखो, ये अगर आपका एक एक्स वैल्यू है तो ये क्या परसेंटेज है वो गिवन है, अगेन फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल, मतलब बेसिकली प्रोबेबिलिटी एक्स प्रोबेबिलिटी जेड लो,
ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स का दिया हुआ है इन परसेंटेज. तो अगर सपोज 2% लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग एक्स का वैल्यू चुनोगे आपको रिस्पेक्टिव परसेंटेज. बट यहां पे उल्टा होता है, ये टेबल बुक में हम लोग सुजल प्लीज मेंशन योर डाउट इन द चैट बॉक्स या फिर आई जस्ट लेट यू अनम्यूट, जस्ट गिव मी अ सेकंड. यहां पे ना उल्टा होता है, ये देखते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू गिव मी 5% वैल्यू, मतलब बताओ जेड ग्रेटर देन एक्स, ये कौन सा एक्स होगा ताकि आपका 5% है, मतलब ये जो पार्ट है वो आपका 5% है, मतलब 0.05 है. तो 5% पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये वाला वैल्यू 1.6. ये तभी यूज करते जब आपको परसेंटेज वैल्यू गिवन रहते हैं, आपको एक्स निकालना होता है. ठीक है, अंडरस्टूड? इसमें क्या है, एक चीज हम लोग जो पढ़ते हैं, आप लोग आगे जाके इसको डिटेल में पढ़ोगे, और विच इज दिस, ये अगर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल नॉट स्टैंडर्ड नॉर्मल, नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल तो स्पेशल केस है, तो वो भी उसमें भी अप्लाई करेगा. ये लेट्स सपोज म्यू प्लस 3 सिग्मा है और ये है म्यू माइनस 3 सिग्मा. सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डिविएशन, म्यू इज द मीन. तो मैं बोल रही हूं ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ एक्स है जहां म्यू प्लस सिग्मा और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां म्यू माइनस. बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ये है 3 सिग्मा का और ये जो डिस्टेंस है वो है माइनस 3. अगेन डिस्टेंस आपका 3 सिग्मा ही है. ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि 97% ऑफ द वैल्यूज आर बिटवीन दिस, 97% ऑफ द वैल्यूज आर बिटवीन म्यू माइनस 3 सिग्मा एंड म्यू प्लस 3 सिग्मा. मतलब बाकी जो 3% वैल्यूज हैं वो इधर है, मतलब इधर 1.5% और इधर. ये अप्रोक्सीमेट हम लोग बोलते हैं फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिचुएशन होता है. इसको लिख लो, इसको ना ऐसे लिखते हैं 3 सिग्मा लिमिट्स, मतलब 3 सिग्मा के विदिन है कि नहीं, मतलब कि 97% लिमिट के अंदर है कि नहीं. अगर ये स्टैंडर्ड नॉर्मल होता तो ये 0 होता और ये 3 होता और ये -3 होता. तो स्टैंडर्ड नॉर्मल के केस में -3 एंड 3 के बीच में आपका 97% ऑफ द वैल्यूज है. दिस इज अप्रोक्सीमेट. अब अगर हम लोग ये पेज नंबर 162 पे जाएं, मैं सब कनेक्ट करवा देती हूँ आप लोग को. तो ये जो वैल्यू है, ये जो परसेंटेज है वो 1.5 है. तो आप लोग देखो तो 1.5% वैल्यू पे क्या आ रहा है, 2.10 क्लोज टू 3 बट नॉट एग्जैक्टली 3. ये मैंने बोला अप्रोक्सीमेट होता ही है, ये एक्चुअल नहीं बोला मैंने, अप्रोक्सीमेट. ठीक है ना, बट
बट यूजुअली हम लोग क्या बोलते हैं, यूजुअली हम लोग बोलते हैं एक्चुअली 97, इन्होंने आप लोग जब मटेरियल अगर रीड करोगे तो मटेरियल में 97 मैंने गलत लिखा दिया आप लोग को, एक्चुअली इसको ना चेंज कर दो, ये वह मैं वही सोच रही हूँ कि क्यों मैंने इसे 99.7 होगा, 99.7 होगा, वही मैं सोच रही थी कि कुछ गलत है, 99.7% होगा। तो इधर और इधर कितना परसेंट वैल्यूज बचा, 0.3% वैल्यूज बचा, 0.3 डिवाइडेड बाय 2, है ना 0.03 डिवाइड बाय 2 ना, 0.3 होगा तो एक और जीरो आ जाएगा। हम परसेंटेज में नहीं लिख रहे हैं, मतलब बेसिकली 0.03 का आधा कितना होता है, 0.3% का हाफ क्या होता है, तो 0.15%, ये मैंने परसेंट में नहीं लिखा था इसीलिए मैंने ऐसे किया, 0.15% अगर परसेंट में लिख रहे हो, तो अब मेरे को बोलो टेबल बुक देख के कि 0.15% का वैल्यू इन्होंने दे रखा है क्या, गैस दे रखा है, 0.15% दे रखा होगा पक्का, नहीं दे रखा है, 0.1 एंड 0.9 दे रखा है सीधा, तो आप लोग अप्रोक्सीमेटली निकालोगे तो 3 आएगा आप लोग का, 0. अगर आपको 0.15% वैल्यू निकालना है तो आप लोग 0.2% एंड 0.1% के बीच का निकाल सकते हो ना, लीनियर इंटरपोलेशन यूज करके, 0.2 क्या है 2.8782 एंड 0.1% का है 3.0902, तो ये वैल्यू निकालोगे तो समवेयर अराउंड 3 के आएगा, 3 आएगा समवेयर, विच इज दिस 3 ओनली, ये कर लो बना लो इसको, 99.7 होगा, मैंने 97 लिख दिया था भूल से। ठीक है, अब मैं देखती हूँ क्या लिखा है इन्होंने चैट बॉक्स में, कहाँ गया कर्सर, नॉट एबल टू गेट द कर्सर हियर, हाँ बोलो, हाँ दैट शीट इज इन पेपर ए, व्हेन यू गो टू पेपर ए फाइल्स इन AIQ फोरम, बेसिक वर्कशीट है वही है वो शीट, ठीक है, एंड डू द रीसेंट वीडियोस, मतलब मेरे मेरे टर्म का वीडियोस, मतलब मैं जो ये वीडियोस कराती हूँ ये वाला देखो, बोलो दीज क्लासेज आर अपलोडेड ऑन द लाइक वेर एवर यू हैव गॉटन द एक्सेस, दीज क्लासेज आर रिकॉर्डेड लाइक अपलोडेड देर इन द लाइव क्लास फोल्डर, सेप्टेम्बर नवम्बर 24 का जो फोल्डर है, नहीं DTH में भी, हैव यू टेकन द फुल कोर्स और हैव यू टेकन वॉट, ये क्लासेज हैं, आप हमारे बैकएंड टीम को कनेक्ट करो, दीज क्लासेज आर अपलोडेड, ठीक है क्लियर, ये वाला चीज
यस प्लीज गो अहेड क्विकली. एवरीथिंग इज गिवन इन द क्लास, यू हैव टू सी द फर्स्ट क्लास, इट्स देयर. ठीक है, कौन सा नंबर करेंगे आप डिस्ट्रीब्यूशन? एट. ठीक है, तो एथ नंबर डिस्ट्रीब्यूशन इज लॉग नॉर्मल. लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं ना, इफ वी से दैट एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम लोग बोलते हैं एक्स फॉलोज नॉर्मल, जैसे हम लोग अभी तक कर रहे थे, यहां हम लोग बोलते हैं एक्स फॉलोज लॉग नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर. ठीक है, इसका जो हमारा पीडीएफ होता है वो ऐसा होता है, देखो, वन बाय सिग्मा टू पाई वन बाय एक्स ई टू द पावर वन बाय टू लॉग एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर. सो व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज वहां पे एक्स की जगह पे ये लॉग एक्स हो गया एंड ये एक एडिशनल वन बाय एक्स वाला टर्म है, बाकी पूरा सेम है. बट एक और डिफरेंस है कि सिंस हम लोग बोल रहे हैं कि एक्स फॉलोज लॉग नॉर्मल, तो आपके एक्स के वैल्यूज आर ओनली ग्रेटर देन जीरो, इट कैन नॉट टेक नेगेटिव वैल्यूज, इट कैन नॉट टेक नेगेटिव वैल्यूज. ठीक है, ठीक है, हाँ नहीं, इसका भी सीडीएफ नहीं है. तो जब हम लोग क्लेम अमाउंट मॉडल करते हैं ना, तो यूजली हम लोग लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे खाली पॉजिटिव वैल्यूज एंड क्लेम अमाउंट आर ऑलवेज पॉजिटिव. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है, यहाँ पे म्यू नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, म्यू नहीं होगा, इट इज ई टू द पावर म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर. तो ये डिफरेंस है, जैसे अगर हम लोग आपको बोले कि एक्स फॉलोज लॉग नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, भूल से भी मत बोल देना कि म्यू इज योर मीन. नो, म्यू इज नॉट अ मीन, इट इज सिंपली अ पैरामीटर. जैसे अभी तक बाकी डिस्ट्रीब्यूशंस में हमने क्या था, एक्सपोनेंशियल लैम्डा फॉलो करता है, तो मीन था वन बाय लैम्डा, लैम्डा वॉज अ पैरामीटर. सिमिलरली म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर जस्ट पैरामीटर्स, नथिंग एल्स. तो वेरियंस अगर मैं बोलू, तो वेरियंस आपका होता है ई टू द पावर टू म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर ई टू द पावर सिग्मा स्क्वायर माइनस वन. अब ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ब्रैकेट के बाहर वाला जो पोर्शन है, इज इट नॉट, देखो, टू म्यू प्लस, ये हो गया ब्रैकेट के बाहर वाला पोर्शन. एंड ये आप लोगों ने किया होगा e टू दी पावर एनीथिंग टू दी पावर लाइक दिस इज सेम एज a टू दी पावर, मतलब सीधा e कर दो, आप लोग इतने स्मार्ट अब हो ही चुके हो, इज सेम एज राइटिंग समथिंग लाइक दिस मल्टीप्लाई करके या फिर ऐसे. तो ये जो स्क्वेयर, ये टू इंटू दिस है, अगर आप 2 को बाहर मानो, जैसे कि अगर आप ऐसे लिखो, चलो 2 इधर नहीं लिख के इधर लिख दो, तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, मीन का होल स्क्वायर है ना, मीन का होल स्क्वायर है ना, यस और नो? तो ये आपका वेरियंस होता है. तो कभी मत बोलना कि अगर हम बोल रहे हैं लॉग नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि म्यू इज द मीन एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरियंस. नहीं, मीन का फॉर्मूला ये है, इट्स गिवन ऑन योर पेज नंबर 14 ऑफ टेबल बुक एज वेल. इन जनरल अगर आप लोग टेबल बुक देखोगे,
एक्स टू द पावर आर, मतलब एनी वैल्यू एक्स टू द पावर के लिख दो, आर लिख दो, जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब निकालते हैं, उसका वैल्यू इन जनरल क्या होता है, आर यू प्लस हाफ आर स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मेरे को अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, तो आप लोग क्या निकालोगे, ई टू द पावर टू यू प्लस हाफ टू स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर करके निकाल सकते हो, देख लो। केथ ऑर्डर आर एथ ऑर्डर क्या हो गया, ये मोमेंट हो गया ना, मोमेंट ही तो है एम वन एम टू करके, लिख लो इसको, कॉपी कर लो। अब अगेन लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ना आपके टेबल बुक में डायरेक्टली नहीं गिवन है, स्टैंडर्ड नॉर्मल का ही गिवन है, तो हम लोग कन्वर्ट करते हैं लॉग नॉर्मल टू स्टैंडर्ड नॉर्मल। कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखो, इफ आई से दैट एक्स फॉलोज लॉग नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज लॉग एक्स follows normal mu comma sigma square. Now in actuarial science, whenever we say log, we also say, ek second, we also say l, ruk jo, ek minute, main samjha dungi pura. We also say ln, matlab it is log with base e, it's a natural logarithm. Log mein kya hota hai, ek base hota hai aur ek yahan hota hai na, तो हम लोग इन एक्चुअल साइंस जब भी लॉग बोलते हैं, वी एक्चुअली मीन इट्स अ लॉग विथ बेस ई, एंड लॉग विथ बेस ई को हम लोग जनरली एल एन लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट? ये वाला आप लोग का प्रूफ नहीं है सिलेबस में। इफ एक्स फॉलोज लॉग नॉर्मल, यू विल से दैट लॉग एक्स विल फॉलो नॉर्मल। अब क्योंकि आप बोल रहे हो लॉग एक्स फॉलोज नॉर्मल, बट आपका अगेन टेबल बुक में डिस्ट्रीब्यूशन तो स्टैंडर्ड नॉर्मल का ही है, तो नाउ यू विल स्टैंडर्डाइज। तो आप लोग जब आप लोग स्टैंडर्डाइज करोगे तो वो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा विल फॉलो नॉर्मल, क्या म्यू माइनस जीरो कॉमा वन, जिससे ये सिमिलर है। अगर log x follows normal, अगर आप log x को मान लो कोई भी y मान लो, चलो y, log x equal to y, तो that y minus mu by sigma is like standardization which follows normal 0 comma 1, yes or no? कॉपी करो उसको। log normal distribution देखो ऐसा दिखता है, log normal distribution ऐसा दिखता है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। ठीक है, क्योंकि ऑल द वैल्यूज आर ग्रेटर देन जीरो, सो इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड, इट इज नॉट सिमेट्रिकल लाइक अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लॉग नॉर्मल इज नॉट अ ठीक है, क्लियर? एनी डाउट देख लो प्लीज। अभी अगर मैं क्वेश्चन दूं आप लोगों को, ये क्लियर है, एक बार यस कर दो। अब अगर मैं एक क्वेश्चन दूं, मैं बोलूं लेट्स सपोज लॉग एक्स फॉलोज नॉर्मल 10.4, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ना, गलत हो गया, सॉरी, मतलब ठीक है वो अब आप लोग सिमिलर करते, बट थोड़ा उसमें कैच अलग होता है। अगर मैं ये दे दूं आप लोग को, so find the probability that x is greater than
2 लाख। पहले इसको लॉग एक्स फॉलोज नॉर्मल करोगे, फिर स्टैंडर्डाइज करोगे, ठीक है। पहले आप लोग क्या करोगे, एक्स फॉलोज लॉग नॉर्मल, फिर आप लोग लॉग एक्स फॉलोज नॉर्मल, फिर आप लोग स्टैंडर्डाइज करोगे एंड फिर इसको सॉल्व करोगे। चलो करके बताओ। एक और क्वेश्चन ले लो, रुक जाओ, एक और क्वेश्चन ले लो। इसके पहले क्वेश्चन इज कि लिखो, रुको, मीन ऑफ, लेट्स सपोज अगेन एक्स फॉलोज लॉग नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, मीन ऑफ एक्स इज 9.97 एंड वेरियंस ऑफ एक्स इज 635.61, फाइंड म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। चलो करो।
माइनस होगा तुम्हारा उससे 0.00 4/2 तुम तो एल पहले डाल दिए होगा, एल क्या है वापस से क्या है? देखो अब इसको सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी एक्स, अच्छा रुको यहाँ मैंने लिखा ही है प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल ग्रेटर देन बोला है ना 2,00,000, तो इसको हम लोग करेंगे प्रोबेबिलिटी एक्स फॉलोज लॉग नॉर्मल है सो लॉग एक्स फॉलोज, तो यहाँ क्या हो जाएगा एल एन एक्स ग्रेटर देन एल एन स्टैंडर्डाइजिंग माइनस 10/2 क्या आ रहा है, जेड ग्रेटर देन क्या आ रहा है 0.03। अब क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू तुम लोग को मिलेगा नहीं तो तुम लोग इंटरपोलेशन करोगे, तो सबसे पहले तो ऐसे लिख देंगे 1 माइनस कर दो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन इक्वल टू 1.103 04, तक अगर जा रहे हो तो 04, नहीं तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब इसको इंटरपोलेट करके मेरे को आंसर बताओ, इसमें तुम लोग किसका दो वैल्यूज लोगे, एक तुम लोग लोगे 1.1 का और 1.1 दो डेसिमल तक लिया हुआ रहता है ना, 1.10 और 1.11 के बीच में ले सकते हो ना, तो लेके बताओ क्या आ रहा है इसका, क्या आ रहा है 1.1 का क्या वैल्यू है, 1.86 और इसका 1.11 का 0.86, तो ये वाला निकाल सकते हो क्या आ रहा है, क्या बोले मतलब, किसका
एट नाइन कहाँ से आ जाएगा भाई? 86 फाइनल वेरी गुड। पार्वती ने भेजा है, आंचल ने भेजा है जो कि पूरा करेक्ट नहीं था, बट ठीक है, इट्स ओके। तुम लोग क्या बोला? 0.13। अच्छा 501 जो भी। अब इसके लिए अगेन e टू द पावर म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर इज 9.97 एंड e टू द पावर 2 म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर इज 635.61। इतना ज्यादा? ये रुक जाओ, मैंने हो सकता है गलत लिख दिया। नहीं, गलत नहीं है। हाँ तो इसको सबसे पहले ना इसको वेरिएंस को लेके सॉल्व करते हैं। मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.97 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वन कर देंगे, ये इधर चला जाएगा और दोनों तरफ लॉग ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2.00। सबका ही आ रहा है? और सेम फिर इसको सिग्मा को उधर डाल देंगे तो म्यू क्या आएगा? मतलब बेसिकली सिग्मा इधर डाल दो, फिर दोनों तरफ लॉग लेना होगा। पहले भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अरे यार इसको ले लो, म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर एलएन 9.97 प्लस माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर उधर चला जाएगा। सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू तुम लोगों को पता ही है, म्यू बताओ। नहीं 1.2 समथिंग आएगा। क्या आएगा तुम क्या? एक जनकार है 1.2992। एक बार फिर से देख लो, मतलब किसका गलत है किसका सही, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे 000 होगा कि 00 होगा? इसीलिए तो फिर तुम्हारा गलत है, तो फिर ये सही है। ठीक है, वेरी गुड, डन। देख लो, ठीक है। अब दो डिस्ट्रीब्यूशन खाली और बचा छोटा छोटा, वो कर लेंगे। फिर थोड़ा सा कुछ कुछ टॉपिक बचेगा, वो नेक्स्ट क्लास करेंगे। तुम लोग सम्स बना के आओगे फिर। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 9 में लिखो टी डिस्ट्रीब्यूशन, स्मॉल टी लिख देना, कैपिटल मत लिखना प्लीज, कैपिटल लिखने के चक्कर में। अब अगर तुम लोग टेबल बुक देखोगे ना, तो टेबल बुक में दे हैव नॉट गिवन टी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली, बट टी डिस्ट्रीब्यूशन आपका पीछे अगर आप लोग टेबल बुक देखो, पेज नंबर 163 आई गेस, 163 पे जाना। देख रहे हो 163 पे टी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, परसेंटेज पॉइंट्स फॉर टी डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर हम लोग बोल रहे हैं एक वेरिएबल, ये दो डिस्ट्रीब्यूशन से डिराइव होता है। अगर हम लोग बोलते हैं कि एक्स हैज अ
chi square v distribution and z has again z hamesha kya hota hai standard normal distribution, then we say that z divided by x by v ka root will follow t distribution with v degrees of freedom. क्या समझ आया? अगर z फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल और x फॉलो करते हैं काई स्क्वायर v, तो द एक्सप्रेशन z बाय रूट ओवर x बाय v विल फॉलो t डिस्ट्रीब्यूशन. तो अगर हम लोग ले लें, जैसे सपोज ये एक y है, तो y इज लेट्स सपोज z बाय x बाय v, तो y विल फॉलो t v डिस्ट्रीब्यूशन. इसका अलग से हम लोग पीडीएफ नहीं लिखते, ना ही आप लोग को जानना है एग्जाम के लिए. आप लोग को खाली चाहिए पेज नंबर 163 पे जाओ, वहां पे देखो ये पूरा बड़ा सा एक फंक्शन लिखा है, वो हमें उससे मतलब नहीं है. पेज नंबर 163 पे, पेज 163 ऑफ टेबल बुक पे आपको अगेन परसेंटेज पॉइंट्स गिवन है. मतलब ये अगर आपका कुछ वैल्यू है तो ये आपको परसेंटेज पी गिवन है. तो अगर मैं आप लोग को बोलूं फॉर सम वैल्यू ऑफ वी, वी का तो अलग अलग वैल्यूज होगा ना, तो अगर मैं आप लोग को एक बेसिक सा सम दूं, लेट्स सपोज मैं बोलूं निकालो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी टी 15 लेस देन 1.341. इसका क्या मतलब है? वी क्या हो गया 15, तो टेबल बुक में जाओ वी 15 देखो, वी 15 है. और अगर आप लोग ढूंढो 1.341 तो उसका परसेंटेज वैल्यू 10% आ रहा है पेज नंबर 163 पे. मतलब बेसिकली आप लोग को टेबल बुक में क्या गिवन है, आप लोग को ग्रेटर दैन वैल्यूज गिवन है. ये कितना गिवन है? जब आपका V 15 है, V ऐसे दे रखे हैं और ऊपर में P दे रखे हैं, तो V जब 15 है तो P क्या आ रहा है? 10% आ रहा है कि नहीं? हाँ. और अगेन वी नो दैट टी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, इट लुक्स लाइक दिस ओनली. मैंने यहां बनाया तो देखो, टी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो सिमेट्रिकल. तो अगर मैं बोल रही हूं 1.341 के ऊपर 10% है, तो इसके नीचे कितना होगा? सिंपल एज दैट. So this is 1 minus t 15 greater than या तो 0.9. ठीक है, एक और क्वेश्चन. व्हाट इज फाइंड दिस a का वैल्यू, फाइंड a. टेबल बुक देखो, जहां पे आपका V 8 है और ग्रेटर देन में 1% है, 0.01 मतलब 1%, तो A का वैल्यू क्या है? क्या होगा बोलो? 2 पॉइंट. गलत, ये भी गलत बोला तुम लोग. 1% पे चेक करो. नहीं, हाँ 1% पे चेक करो ना. जब 8 है, 2.896 ना, तुम लोग क्या बोला था? अच्छा ओ सॉरी, हाँ ठीक है 2.896. लास्ट क्वेश्चन ले लो टी डिस्ट्रीब्यूशन में. प्रोबेबिलिटी टी 24 लेस देन माइनस 0.5314. टी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बाद के चैप्टर्स में काफी करेंगे, बट आपको खाली ये जानने से मतलब है कि अगर आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैंडर्ड नॉर्मल, उसको आप डिवाइड कर रहे हो रूट ओवर
काई स्क्वायर बाय वी से, तो आपका वो टी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। ये वाला चीज को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये कभी मत बोल देना कि ये नहीं सिखाया हमने, इसको बढ़िया से याद कर लेंगे। आई क्या हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्या आया इसका आंसर? कैसे निकाला? सिमेट्रिकल होता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दो, टी डिस्ट्रीब्यूशन है सिमेट्रिकल, बनाया भी है। सो सिंस इट्स सिमेट्रिकल यू कैन से दैट टी 20, अगर लेस देन, मतलब अगर यहां पे कुछ है इसका लेस देन विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन दिस माइनस हटा के 0.53314, तो ग्रेटर देन 0.5314 टेबल बुक में जहां आपका V24 है और ये 0.53 पक्का कहीं दे रखा होगा इन्होंने, 14 इज 30%, तो 0.3 या फिर 30% इज आंसर। नाउ अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन है तो क्या करोगे? लीनियर इंटरपोलेशन यूज करके कर सकते हो। अगर आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, सपोज आपको ये वाला वैल्यू दिया हुआ है और ये एग्जैक्टली नहीं है, तो आप लोग ए निकाल सकते हो लीनियर इंटरपोलेशन यूज करके। अगर आपको ये दिया हुआ है तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो लीनियर इंटरपोलेशन वाइस वर्सा यूज करके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लिख लो, क्या होगा? कौन सा? 10। वाह, सोचो मैंने तुम लोग को 10 डिस्ट्रीब्यूशंस सिखा दिए। मैम दिस लेक्चर इजंट बीइंग रिकॉर्ड, इतना तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो रिकॉर्डिंग का? जब तुम लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, RTRUM, ये फुल फॉर्म बताओ RTRUM, आज तक मेरे को नहीं समझ में आया। अपना नाम बताओ पहले तो तुम हम लोग को। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन में लिखो, अब अगर हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, एंड ये दोनों फॉलो करते हैं काई स्क्वायर एन वन काई स्क्वायर एन टू, वेयर एन वन एंड एन टू आर रिस्पेक्टिवली व्हाट? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो एक्स बाय एन वन डिवाइडेड बाय वाई बाय एन वन विल फॉलो एफ एन वन कॉमा एम टू, वेर एन वन एंड एन टू आर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। उमंग ये रिकॉर्ड हो रहे हैं हम लोग के बैकएंड से, अब हम लोग का टेक्नोलॉजी बहुत हाईटेक हो गया है, माने अब हम लोग ऐसे गूगल मीट का रिकॉर्डिंग नहीं करते, हम लोग का बहुत हाई फीचर्स हो गया है। उमंग आर यू फ्रॉम मुंबई? हम मिले थे राइट? यस, मुंबई की। हाँ, ये मेरे CB2 में भी था और इसका नाम लिखा हुआ है इधर RTRUM। मेरे को समझ में नहीं आती क्या है ये RTR, क्या होता है, क्या होता है, तो मैं इसका नाम ही भूल जाती हूँ। उमंग अब याद रहेगा। क्लियर? वहां पे टी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिराइव होता है? स्टैंडर्ड नॉर्मल। अच्छा, रोटर एक्टर मतलब रोटरी क्लब क्यों रोटर एक्टर बोलते हैं? क्या होता है रोटर एक्टर? मुंबई का कुछ होगा, हम लोग तो कैलकटा में, हम लोग का ही पता कुछ है ना। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड नॉर्मल एंड काई स्क्वायर का मिक्स, एंड यहाँ पे दो काई स्क्वायर का मिक्स, तो यहाँ पे क्योंकि दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो योर एफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो हैज टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। कम टू पेज नंबर 170 से 174 ऑफ टेबल बुक में आपको पूरा मिल जाएगा। लिखा है फॉर यंग पीपल इट इज रोटर एक्ट एंड फॉर पीपल अबव 30 इज रोटरी। अच्छा, ओके, गॉट इट। आई एम स्टिल यंग, आई एम बिलो 30। मैंने बोला ना ये सब हम लोग नहीं, तुम लोग को नहीं पता होगा, तुम लोग कैलकटा के स्टूडेंट्स हो, तुम लोग मुंबई के स्टूडेंट्स नहीं हो। क्या बोले,
यहाँ पे दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, V1 V2 बोल दो या N1 N2 बोल दो, लेट्स राइट. अब आप लोगों ने लिख दिया, इट्स फाइन, मत हटाना, बट जस्ट टू कीप दिस सिमिलैरिटी. इतना स्लो क्यों होंगे भाई ये. ये हो गया V1, ये हो गया V2, ये हो गया V1 कॉमा V2 V1 V2, ठीक है. तो अब हम लोग दो तीन, अगर मैं एग्जाम्पल आप लोगों को दू तो आप लोग करो. चलो ये याद रखना पड़ेगा, ये मत बोलना कभी कि सिखाया नहीं हमने. दो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन मिला के आपका एफ डिस्ट्रीब्यूशन बनता है. तो क्वेश्चन लिखोगे प्रोबेबिलिटी एफ 12 कर दो लेस देन 3.106. अगर मैं ये दे दू तो अब जाओ टेबल बुक में, V1 शुड बी, याद रखना V1 V2 फ्लो में जाना है, ऐसे कुछ उल्टा फुल्टा मत कर देना. मैम इज इट y बाय n है, क्या बोला इसने, y है, y, ये y है, y y y बाय n 2 V2 होगा मतलब, ठीक है. तो V1 ऊपर में देखो, देखो यहां देखो टेबल बुक में, ऊपर में यहां V1 है और ऐसे वर्टिकली V2 है, ये V1 है और ये V2 है. तो V1 इज 5 एंड V2 इज 12, उल्टा मत करके आ जाना. तो 5 एंड 12, एक सेकेंड रुको, 12. अब देखो ये आपको अलग अलग में मिलेगा, मतलब इसमें ना परसेंटेज वाइज है, ये आपके 10%, मतलब आपका अगेन योर एफ डिस्ट्रीब्यूशन समथिंग लुक्स लाइक दिस. इट्स नॉट अ पॉजिटिवली स्क्यूड, इट्स नॉट अ सिमेट्रिकल, इट्स अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली योर काई स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिवली स्क्यूड. सो टू पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का मिक्सचर हैज टू बी अ पॉजिटिवली स्क्यूड. टेबल बुक में ना आपको ये वैल्यू, पी वैल्यू गिवन है, ऊपर में देख रहे हो 10% वैल्यूज, तो मतलब ये आपका हो गया अगर 10%, तो ये क्या x का वैल्यू है. अब आपको ढूंढना है कि V1 जब आपका 5 है और V2 आपका जब 12 है, इस केस में जब आपका 10% वैल्यू है 2.3 है, अगेन नॉट मैचिंग, अगर ये 2.3 में आपका 10% आ रहा है तो ऑब्वियसली 3.16 में तो और 10% से छोटा होगा. 5% पे जाके देखो, V1 जब 5 है और V2 जब 12 है, एग्जैक्टली वही आ रहा है ना. तो बेसिकली हम लोग को टेबल बुक पेज नंबर 172, 5.12 ग्रेटर देन 3.106 गिवन है 5%, तो लेस देन क्या हो जाएगा, 1 - 5%, विच इज, मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, 95%. क्लियर है, देख लो, 5% मत लिख के आ जाना आंसर. नेक्स्ट लिखो, लास्ट क्वेश्चन. अरे नहीं बाबा, उफ, और नहीं है, और मेरे को तुम लोग को पढ़ाने का मन नहीं है. बस एक तो तुम बैठ के खाली लिख रहे है, ठीक है, दिमाग भी यूज नहीं कर रहे, थोड़ा सा ए निकालो, फाइंड ए. अब हम लोग को क्लियरली दिख रहा है, हम लोग को 10% 1% वाले में जाना है, 2.5 का भी गिवन है, फिर 1% का गिवन है, तो 1% पे जाना है, दिस इज एक्चुअली 1%. सो कम टू पेज नंबर 174, जहां पे V1 आपका 7 है और V2 आपका 4 है, क्या होगा वो, 14. बस खत्म, डन. ठीक है, एक चीज, एक डेरिवेशन जो हम लोग को समझ लेना है, लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ऐसे लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट.
अगर हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ए गिवन एफ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए, इज ग्रेटर देन सम वैल्यू सी विच इज सेम एज राइटिंग दिस। एंड दिस इज सेम एज राइटिंग ये आगे जाके और अच्छे से कवर होगा। क्योंकि खाली अपर टेल वैल्यूज गिवन है ना, 10%, 5%, 2.5%, 1%, तो अगर लोअर टेल वैल्यूज निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, तो ये करके निकालोगे। तो हम लोगों ने क्या समझा, अगर प्रोबेबिलिटी एफ ए कॉमा बी इज ग्रेटर देन सी, तो दोनों का अगर आपको नहीं गिवन है, सपोज कोई कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉमा बी नहीं गिवन है, जैसे मैंने बोला ना ध्यान रखना वी वन और वी टू अलग है, सेम नहीं है, तुम लोग ऑपोजिट अपने मन से नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट से दैट एफ ए कॉमा बी इज सेम एज बी कॉमा ए, यू कैन नॉट से दिस। तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, तो अगर ये ग्रेटर देन है तो अगर आप डिवाइड करो तो योर साइन शुड चेंज, जैसे आप माइनस करते हो तो साइन चेंज होता है दोनों तरफ में, वैसे आप डिवाइड करते हो तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। बट ये जो जब आप डिवाइड करो इज सेम एज सेइंग दिस, तो मतलब एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 1/2। ये क्यों आ रहा है कोई बता सकते हैं? ये हम लोग का जो फॉर्मूला है वैसे ही आ रहा है। मैंने ऊपर क्या लिखाया, एक्स बाय ए वाई बाय बी, फॉर एग्जाम्पल एक्स फॉलोज काई स्क्वायर ए एंड वाई फॉलोज काई स्क्वायर बी, दिस इज एफ ए कॉमा बी, 1/2 कर देंगे, 1/2 दिस एंटायर थिंग, ये वाला पूरा, तो क्या हो जाएगा y by b and x by a which becomes, तो 1/2 है ना, फॉर्मूला से ही निकल रहा है, कुछ अलग से हमने नहीं लिखा, ठीक है ना, फॉर्मूला से ही निकल रहा है, इसको लिख लो। ये सब चीज जो है ना अभी देख के बहुत बेसिक लग रहा है क्योंकि क्लास में आप लोग कर रहे हो, बट वेन यू गो एंड यू डू द सेम थिंग खुद से ना, इट गेट्स कंफ्यूजिंग, एंड वेन यू सॉल्व दीज क्वेश्चन इट गेट्स कंफ्यूजिंग। तो आप लोग देखोगे वो शीट में ना ऐसे बहुत सारे सम्स हैं जो दिए हुए हैं, तो आप लोग वहां से उसको रेफर करके अब आप लोग वो पूरे शीट में जितने भी क्वेश्चंस हैं बेसिक वर्कशीट में वो पूरा बना लो, देन आई लेट यू ऑल नो कि क्लास कब होगा। अच्छा तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग का कल है कॉलेज, तो कल तुम लोग मिस कर सकते हो, कल का ऐसा कुछ क्लासेस है जो मिस कर सकते हैं? कल परसों ठीक है, फ्राइडे ठीक है, मतलब तुम लोगों का कॉलेज सेकंड हाफ में है क्या, फ्री है? ठीक है, आई विल लेट यू ऑल नो नाउ ओनली इन द दिस थिंग। आप लोग एक काम करो, आप लोग सारे सम्स सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, अगर हो सकता है इस वीक नहीं हो तो नेक्स्ट वीक रख लेंगे, बट बिकॉज अब मेरे को ज्यादा कुछ नहीं कराना है, बस दो टॉपिक है, वो टॉपिक बहुत ही वैसा है कि यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस, पॉइजन का है, पॉइजन प्रोसेस है बेसिकली, एंड वेटिंग टाइम्स है, तो ये मैं सर से पूछ लूंगी कि ये कब कराना है, आप लोग को अभी कराना है इस पॉइंट पे कि बाद में कराना है, उसके अकॉर्डिंग आई विल मेंशन विद इन 2 आवर्स, आई विल मेंशन द क्लास टाइमिंग्स एंड क्यू फोरम, ठीक है?
ऑल राइट, बट ये कर लो एंड नाउ यू ऑल कैन सॉल्व द एंटायर शीट. उसमें एफ डिस्ट्रीब्यूशन के देखना बहुत सम्स है. ये वाला जो हमने ऑपोजिट वाला चीज किया, इसको ध्यान रख के यू हैव टू सॉल्व द सम्स एंड देन वॉट एवर डाउट्स यू ऑल हैव आई विल टेक इट अप. ठीक है, बोलो कौन सा क्वेश्चन. देखो ठीक है, एक क्वेश्चन का डाउट है वो करते अभी. ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है कर लो इसको सॉल्व, आ जाओ सब लोग एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं मिलके. क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वर्कशीट. एन इंश्योरेंस कंपनी फाइंड्स दैट 0.005 ऑफ द पॉपुलेशन डाई फ्रॉम अ सर्टन काइंड ऑफ एक्सीडेंट ईच ईयर. वॉट इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब इतना पॉपुलेशन मर जाता है डिजीज के वजह से, एक्सीडेंट के वजह से. वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी मस्ट पे ऑफ 3 or more than 3 ऑफ द 10,000 इंश्योर्ड रिस्क अगेंस्ट सच एन एक्सीडेंट. सो इज इट बाइनोमियल, मतलब 10,000 अगर लोग हैं एंड आप बोल रहे हो कि 0.005 ऑफ द पॉपुलेशन डाई, तो बाइनोमियल ले सकते हैं. तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स फॉलोज बाइनोमियल, 10,000 पीपल है कॉमा 0.005 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पीपल विल डाई इन द ईयर. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. ये हो सकता है आंसर गलत हो, प्रोबेबल है. इसका आंसर निकालो तो इसमें तुम लोग ऐसे कर लो, x लेस देन 2 कर दो तो बाइनोमियल में सॉल्व कर पाओगे ना इजीली. अगर आप लोग पॉइजन अप्रोक्सीमेशन लेते हो तो एनपी क्या हो रहा है यहाँ पे. हाँ 50 आएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा. ये करके सॉल्व करके बताओ, डाल दो ना. पॉइजन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आंसर गलत है, 1 नहीं होगा. पकड़ो ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू ऑल.